अस्सलाम वालेकुम मियाँ। आई नो दैट यू लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज उन्हीं की एक छोटी सी स्टोरी पर अपन रिएक्शन करेंगे। इट्स अ इस्लामिक स्टोरी, जब मोहम्मद की आंखों में आ गए आंसू। सो जस्ट बी वेयर, हो सकता है आपकी आंखें नम हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद। एंड आई जस्ट थॉट ऑफ वॉचिंग इट, मतलब मैं स्क्रॉल करते हुए मेरी फीड के अंदर ही वीडियो आ गया और मैंने सोचा मैं देखती हूँ। पर फिर अ थॉट केम इन माई माइंड कि पूरी फैमिली के साथ बैठ करके क्यों नहीं, कि लाया रिएक्ट फैमिली के साथ क्यों नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा सा प्यारा सा कॉमेडी कंटेंट होता है दैट यू विल लव। एक फॉलो बटन पे टैप करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक इज गिवन। ऑल्सो आई नो दैट लॉट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स आर वॉचिंग मी राइट नाउ, और ये जो कहानियाँ होती है, जो सत्य गठित होती है, वो मुस्लिम्स को खुद को भी नहीं पता होती है अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो जस्ट शेयर इट मोर ऑफनली। आप अपने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को, मुस्लिम फ्रेंड्स को ज़रूर भेजिए इन वीडियोज़ को। फिलहाल लेट्स एक्सपीरियंस द स्टोरी। मुहम्मद मक्का के बाजार से गुजर रहे थे। देखा कि बाजार के बाहर एक बूढ़ी औरत हाथ में दो थैले लिए खड़ी थी। वो बेचारी इतनी बूढ़ी और कमजोर थी कि एक थैला उठाती थी तो दूसरा जमीन पर रखना पड़ता था। वो बेचारी एक एक करके थैला उठाती थी, आगे लेके जाती थी, रखती थी, फिर वापस आती थी और दूसरा थैला उठाती थी और इसी तरह आगे लेके जाती थी। सबकी नजर पड़ रही थी, वो बूढ़ी इधर उधर देख रही थी, कोई है जो मेरा सामान घर पहुंचा दे। सामने से मुहम्मद आ रहे थे, उस बूढ़ी औरत पर नजर पड़ी, पास आकर फरमाया, या उम्मा, माँ तफाली माँ, क्या मैं थैला उठाने में मदद करूं? जब मुहम्मद की आंखों से आ गए आंसू, बेहद हैरत अंगेज किस्सा। बेचारी बूढ़ी माँ कहती है, एक तू उठा ले, एक मैं उठा लेती हूँ। नबी ने कहा, माँ रहने दे, एक थैला एक कंधे पे टांगा, दूसरा दूसरे कंधे पे टांगा और आगे आगे चलने लगे। वो बूढ़ी औरत पीछे पीछे चलते हुए दुआ देती रही, ए जवान ऊपर वाला, तेरी उम्र में बरकत आता फरमाए। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तेरे कंधे तो नहीं दुखते? मुहम्मद कहते हैं, कंधा तो दुखता नहीं, तेरे पांव दुखते हो तो माँ तुझे भी कंधे पे बिठा लूं। वो बूढ़ी औरत कहती है, अल्लाह तुझे बहुत अच्छा रखे। चलते चलते जब बूढ़ी अम्मा का घर आया, बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाजा ब्यती, जिसका अर्थ है ये मेरा घर है। मुहम्मद ने दोनों थैले नीचे रखे और कहा, माँ मैं जा रहा हूँ। माँ ने कहा, तूने मेरे थैले उठाए, उसकी कितनी मजदूरी हुई। नबी की आँख से मोती की तरह आंसू का कतरा गिरा, कहा, मैंने आपको माँ कहा है, क्या कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? वो बूढ़ी माँ रो पड़ी, कहने लगी, ला इब्नी, जिसका अर्थ है ना मेरे बेटे, ना मेरे बेटे, नहीं लेता मजदूरी, नहीं लेता, बूढ़ी माँ हूँ, मक्के में एक जमाने से रहती हूँ। मुहम्मद रुक गए, पूछा, हाँ माँ बता क्या वसीयत है? बूढ़ी माँ ने कहा, देख बेटा, मक्के में बहुत वक्त से रहती हूँ, बाल भी सफेद हो गए हैं, मक्का में एक आदमी निकला है मुहम्मद नाम का, उसके जाल में कभी मत फंसना, वो मियां बीवी में भी तोड़ डाल देता है। अरे बेटा सुन, वो जादूगर है, लोग उसको नजूमी कहते हैं, अरे लोग उसको मजनून कहते हैं, लोग उसको दीवाना कहते हैं, उसके पास कभी मत जाना। नबी की आंखों में आंसू आ गए, रोते रोते कहा, हाँ माँ तूने जैसा कहा वैसा ही करूँगा। वो बूढ़ी तजर्बेकार औरत थी, पूछा, बेटा रोता क्यों है? मोहम्मद ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, तुझे जरूरत पड़े तो वापस बुला लेना, मैं तैयार हूँ। ये कहकर मोहम्मद जाने लगा तो अम्मा ने कहा, ना तुझे ये बूढ़ी औरत का वास्ता, पहले ये बता तू रोता क्यों है? मोहम्मद ने फरमाया, जिस मोहम्मद के डर से तू मक्का छोड़ के जा रही है, जिस मोहम्मद से तू मुझे रोक रही है, वो मोहम्मद मैं ही हूँ, मेरे दोस्तों वो माँ थी। माँ ने मोहम्मद का जुमला सुनाते हुए कहा, बेटा मोहम्मद तू ही है? तो ये बूढ़ी औरत दुआ करती है कि अगर तू जादूगर है तो अल्लाह पूरे मक्का वालों को जादूगर बना दे, अगर तू नजूमी है तो अल्लाह पूरे मक्का वालों को नजूमी बना दे, अगर तू मजनून है तो अल्लाह पूरे मक्का वालों को मजनून बना दे। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनून भी नहीं हो सकता, मैं इस जमीन के ऊपर गवाही देती हूँ, अल्लाह ने तुझे इस जमाने का नबी बनाकर भेजा है और
कमला पढ़ के मुसलमान हो गई। जब नबी जाने लगे, बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, माँ बच्चों पे एहसान करती है, तू ऐसा बेटा है जो माँ पे एहसान करके जा रहा है। ये थे मोहम्मद और ये है मोहम्मद की तालीम। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कीजिए। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, ये बहुत छोटी सी कहानी है, इट वाज सो टची। उन बुजुर्ग माँ को लगा कि मोहम्मद के जाल में, चंगुल में ना फंस जाए उनका, जो उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बेटा बनाया, जो उनकी मदद कर रहा है सामान उठाकर लेकर जाने में। ये वो उनको बताने लगी कि मोहम्मद से बचकर रहना, और फिर बाद में जब उन्हें पता चलता है कि वो खुद मोहम्मद ही है, तो वो इस्लाम में तब्दील हो गई। एंड इट इज़ सो अमेजिंग। सी, आई नो बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए होंगे ये सुनकर, और मुझे भी, यू नो, आई वॉज लाइक फीलिंग इट, बट मैं इमोशनल नहीं हुई दिस टाइम। आई वॉज फीलिंग हैप्पी इनसाइड, मतलब मुझे एक खुशी की फीलिंग हो रही थी अंदर से। आई जेन्यूनली टेल यू वॉट आई फील, मतलब मैं ऐसे कोई फेक इमोशंस लेकर के नहीं आती जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज या लोग क्या कहेंगे कह करके। मैं ये कह दूँ कि मुझे इमोशनल फील हुआ, मुझे काफ़ी बुरा लगा, बट मुझे बुरा नहीं लगा यार, मुझे खुशी हो रही थी इस बात की कि बुज़ुर्ग औरत ने मोहम्मद को अपना बेटा कहा और मोहम्मद ने उनको अपनी माँ कहा। आई फेल्ट गुड अबाउट इट। प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा। दिस इज़ किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय।